तो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपको कुछ पैसे लेते हैं, आप चाहते हो लोन लेना, देन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला एक बेस लोन एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर सिर्फ स्टूडेंट को ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो देन डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस एप्लीकेशन से मैंने खुद से लोन लिया हुआ है एंड आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कितने का लोन लिया हुआ है एंड डेफिनेटली आप भी जो इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले मेरा जो लोन अमाउंट है, आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 10,000 की यहाँ पर लोन अमाउंट मिल चुका है। अगर आप भी चाहते हो लोन लेना, देन सिंपल से आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है एंड कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाके लोन के लिए अप्लाई करना है, सारा कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो बताऊंगा। देन वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहो अगर आपको पैसे की नीड है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन पे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, साथ में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको सबसे पहले बता दूँ। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। अगर आप लोग 18 साल हो देन डेफिनेटली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस एप्लीकेशन में अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड एंड आपके पास पैन कार्ड, साथ में आपके पास एक बैंक अकाउंट जिसपे आप अपने पैसे को रिसीव करोगे एंड आपके पास एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होती है, जो आई कार्ड होती है वो आपको होना चाहिए। अगर आपके पास कॉलेज का आई कार्ड, साथ में आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड है देन डेफिनेटली आप लोग इस एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ अमाउंट की एक लोन अमाउंट ले सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि इस एप्लीकेशन पे आपका जो लोन अमाउंट मिलती है वो इंस्टेंटली आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाती है। मान के चलो कि अगर आपकी कॉलेज की फीस देना है, अगर आपकी ट्यूशन की फीस देना है देन डेफिनेटली आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो एंड टाइम टू टाइम इसको अगर आप लोग पे भी करोगे देन आपको यहाँ पर 45,000 तक यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस एप्लीकेशन पे अगर आप मान के चलो कि 2,000 के यहाँ पर एक लोन अमाउंट लेते हो देन आपको इस पर कितना पैसा ज़्यादा पे करना होती है। देखो अगर आप लोग इस पर 2,000 के एक लोन अमाउंट लेते हो देन सबसे पहले तो इस पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाती है वो लग जाती है मंथली 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। एंड इसका कुछ प्रोसेसिंग फीस है जो कि लगभग 1 से लेकर 2% एंड जो भी प्रोसेसिंग फी होगा उस पर 18% की GST लगेगा। मान के चलो कि अगर आपने यहाँ पर 2,000 के एक लोन अमाउंट लेते हो देन आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो आपको पे करना होती है वो आपको पे करना होती है 156 रुपीज़, ठीक है ना। अगर आप लोग एक 2,000 की लोन अमाउंट लेते हो देन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 156 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा पे करना होगी एंड जो भी अमाउंट आपके खाते पे आएगा वो अमाउंट तो आपको पे करना ही है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी है। लिंक डिस्क्रिप्शन जाके सिंपल से आप लोग एक कोई भी वेबसाइट पे जाओगे एंड सिंपल से उस पर आप अपना फोन नंबर देके इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल से रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पर आने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर से वही नंबर देकर आपको लॉगिन करना है एंड सिंपल से जो भी सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर पूछा जाता है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह है आपको दे देना है। देन जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाती है देन आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है एंड वो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेना है। अगर आप देखना है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो की कैसे आप लोग एम पॉकेट एप्लीकेशन से पैसे को विड्रॉ कर सकते हो आप अपने अकाउंट पे, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कंफर्म हो जाओगे कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है एंड कितने देर में मिलता है, मैंने उस वीडियो पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो जाकर देख लेना वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय।